देखिए इसमें मैंने प्याज डाल दी और टमाटर डाल दी, अदरक लहसुन डाल दी, हल्दी डाल दी और लाल मिर्च पाउडर डाल दी। इसमें नमक भी डाल दे रहे हैं, हंस का ज़्यादा मत डालिएगा, हमेशा मैं बोलते रहती हूँ कम डाल दी, बाद में चक्के भी डाल सकते हैं। देखिए मैं इसको सारे चीज़ें डाल के ऑयल भी डाल दी और पानी भी डाल दी, और पानी ज़्यादा मत डालिए क्योंकि आपके टमाटो है, ऑनियन है, उसी का पानी ज़्यादा घुल जाती है इसमें। इसको मैं कुकर का ढक्कन बंद करके चढ़ा दूँगी। ये फ्रेंड्स अच्छे से गल गया गोश्त, ज़बरदस्त खुशबू आ गई। इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट भूनने के बाद अरवी डाल दूँगी मैं। ओके फ्रेंड्स, सालन अच्छे से भुने गया, प्याज टमाटर अच्छे से भुने गए, इसमें हम अरवी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं अभी हरी मिर्चें 4-5 हरी मिर्चें और करी पत्ता डाल दे रही हूँ। इसका अरोमा आएगी करी पत्ते से, करी पत्ता डालने से बहुत टेस्ट बढ़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स इमली का कट्टा डाल रहे हैं अभी, अच्छा सा पक चुका है सालन। ओके फ्रेंड्स इसमें अभी हम इतना ग्रेवी चाहिए ना इसको, ये शोरबा बहुत रहती है इसमें, कट्टा शोरबा बोलते हैं हैदराबाद में, अरबी का कट्टा शोरबा, अरबी गोश्त। इसमें अभी मैं बहुत में डाल दे रहे हैं, 15 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए हमारा ये अरबी साबित ही है, कोई अरबी टूटा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स एक बार सालन में से तेल सेपरेट हो गया तो समझ लो सालन बन चुका है। इसमें ये अभी बहुत खुशबू आ रही है मेरे किचन में, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और अरबी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है ये, और हफ्ते में 2-3 दफा तक खाना चाहिए। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, सालन बना सकते हैं इस तरह, सिर्फ टमाटे अरबी भी बना सकते हैं प्याज डाल के, मुख्तलिफ तरीके से आप
सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल, बेल आइकन एक्टिवेट करिए. थैंक यू.